यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इस युद्ध ने रुकने का नाम नहीं लिया। रूस के सामने यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है। रूस के हमलों से यूक्रेन तबाह हो चुका है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर यूक्रेन को शमशान बना देता है। अभी तक यूक्रेन के लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किसी ने अपनी माँ को खो दिया तो किसी ने अपने बाप को, और यूक्रेन में ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने का पूरा मन बनाया हुआ है। इस युद्ध के चलते सभी देशों ने रूस की आलोचना की और यूक्रेन का साथ दिया। नाटो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और G7 के सभी देशों ने यूक्रेन की काफी मदद की। इन देशों ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को कई तरीकों के हथियार भी दिए, लेकिन रूस फिर भी यूक्रेन पर हमला करने से बाज नहीं आया। अब इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर एक और हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस समय देश से बाहर हैं और वो यूरोप दौरे पर हैं। सभी देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे मदद मांग रहे हैं, जिससे वो रूस का और डटकर सामना कर सके। ज़ेलेंस्की के इसी यूरोपीय दौरे के दौरान रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला किया गया। ये हमला 16 मई यानी आज सुबह ईस्टर्न यूक्रेन के शहर अवदीवका पर किया गया। इस हमले में एक अस्पताल पर मिसाइलें दागी गई। रूस के इस मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ज़ेलेंस्की के यूरोपीय दौरे के दौरान कई देशों ने उन्हें सैन्य समझौता सहायता देने का वादा किया। ऐसे में इस हमले के बाद रूस की तरफ से ये बयान दिया गया कि यूक्रेन की मदद करने के बावजूद उन्हें इस युद्ध में कोई फायदा नहीं होगा। रूस के लगातार हमले से यूक्रेन के कई परिवार तबाह हो चुके हैं। यूरोपीय देशों के दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस के हमले के दौरान यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कीव हमेशा जर्मनी का आभारी रहेगा। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि जर्मन चांसलर के साथ उनकी सेना के जवाबी हमले का उद्देश्य रूस के कब्जे से अपनी जमीन को मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के पास ना तो समय है ना ही उसके पास उतनी शक्ति है। पिछले एक साल से चल रहा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध कब खत्म होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता, मगर दोनों देश एक दूसरे पर आग बरसाना कम नहीं कर रहे हैं। रूस इस बात पर अड़ा है कि वो यूक्रेन को तबाह करके ही छोड़ेगा। वहीं यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेकने से लगातार इनकार कर रहा है। ये युद्ध क्या मोड़ लेता है, ये किसी को नहीं पता।